और देखो यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 यानी 5544 सेमी स्क्वायर है तो गोले का आयतन बताओ। गोले का तो आयतन के लिए अपने को त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए? त्रिज्या। अब सबसे पहले अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर रखो 4πr² बराबर 5544। अब 4 × 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर तो है नहीं अपने पास, 5544/1 आर स्क्वायर को यहीं पर रखेंगे तो 5544/1 गुणा 1/4 गुणा 7/22 11 × 22 11 × 55 टूटे बाकी 0 11 × 44 दो से काट दूं 25 और 252 कितने आ गए, फिर 4 से कटते हैं 6 × 24 4 × 12 r² बराबर 63 × 7। अब इधर स्क्वायर है इसका मतलब अपने को वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो अपने गुणे मत करो, इसके गुणनखंड कर दो, 63 के गुणनखंड कर दो, मैं 3 × 21 3 × 7 7 × 7 कितने हो गए 3 × 3 × 7 और 1 ये 7 है। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो इधर तो r हो गया, इधर क्या हो जाएगा 3 × 3 × 7 × 7 हो जाएगा ना। अब रूट में से वर्गमूल निकालेंगे, 2 के जोड़े कर लो, ये हो गया 2 के जोड़े किए, इसमें से 3 इसमें से निकालो, 7 इसमें निकालो, r बराबर 7 × 21 ये आ गई 21 सेमी था ना, ये 21 है सेमी, इसकी त्रिज्या आ गई, क्या आ गई त्रिज्या। अब करना है अपने को इसका आयतन, क्या करना है आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन यहां लिख लोगे, गोले का आयतन 4/3πr³ यही होता है। अब 4/3 × 22/7 × r कितने थे 21 × 21 × 21 1 × 7 7 3 × 7 3 × 3 21 × 22 = 88 88 और 21 कितने होते हैं 441 488 और 441 को गुणा कर लो अपने 88 और 441 को 38,808 घन सेमी, घन है या आप सेमी क्यूब लिख सकते हैं, सेमी क्यूब, क्यूब का मतलब घन है, ठीक है कर सकते हो इसको।